नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। ट्रेनों के बाद अब रेलवे स्टेशनों का होगा प्राइवेटाइजेशन, रेल मंत्री ने दी जानकारी। जी हाँ, केंद्र सरकार 151 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर चुकी है। अब इसके बाद सरकार रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह काम नीलामी के जरिए किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिए बोलियाँ मंगाई जा रही हैं और इसके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भारतीय रेल के स्टेशनों को आधुनिक बनाने जा रही है, उसके बाद इन्हें नीलामी के जरिए निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि गुड्स कॉरिडोर परियोजना पर काम तेजी से किया जाने की जरूरत है, इस बीमारी की वजह से इस काम में देरी हो गई है। उन्होंने कहा कि गुड्स कॉरिडोर के लिए पश्चिम बंगाल में जितनी जमीन की जरूरत है, राज्य सरकार ने अभी तक वह परियोजना के लिए बनाए गए विशेष निकाय के हवाले नहीं किया है। रेल मंत्री ने बताया कि यदि राज्य सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो कोलकाता में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में विमान सेवा और उपनगरीय रेल सेवा को अभी शुरू करने के खिलाफ है। अब हर 6 महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन, आ गए नए नियम। जी हां, सिम कार्ड वेरिफिकेशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने बल्क बायर और कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम कड़े कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जाँच करनी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ग्राहकों के वेरिफिकेशन पेनल्टी के नियमों में ढील देने का फैसला किया था। हर छोटी गलती के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर 1,00,000 रुपए की पेनल्टी नहीं लगेगी। सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेनल्टी लगा चुकी है। हर 6 महीने में कंपनी की लोकेशन का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनी के वेरिफिकेशन के समय लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड आवेदन फॉर्म में डालना पड़ेगा। कंपनी के कनेक्शन किस कर्मचारी को दिया गया है इसकी जानकारी भी देनी होगी। नए नियम लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 3 महीने का वक्त मिलेगा। ममता बनर्जी का चुनावी बिगुल, बोली सत्ता में लौटे तो गरीबों को जिंदगी भर देंगे मुफ्त राशन। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक वर्चुअल रैली को उन्होंने संबोधित किया। रैली में उन्होंने मुफ्त राशन से लेकर यह बीमारी और चुनाव से लेकर CA NPR तक बात की। ममता बनर्जी ने कहा कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो गरीबों को पूरी जिंदगी मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे अपना वादा बताया। ममता बनर्जी ने वर्चुअल रैली में कहा कि हम लोगों को लॉकडाउन के पहले से फ्री राशन दे रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जून 2021 तक हम इसे देते रहेंगे। इसी बीच उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली से जो हमें शर्मिंदगी मिली है हम उसका बदला केंद्र से लेंगे। बाहरी लोगों को बंगाल पर राज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमें पता है कि लोगों के लिए कैसे खड़ा होना है। कोई ऐसा न समझे कि TMC कमज़ोर है। BJP पर हमला बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि ऐसे लोगों में कोई क्वालिटी नहीं है, ये लोग बाहरी हैं, ये लोग केवल जुबान चलाते हैं, नफरत फैलाने के लिए बोलते हैं। बड़ी मुसीबत में फंसी वोडाफोन आइडिया, बेच सकती है अपना फाइबर कारोबार, मिलेंगे 18,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया फंड जुटाने के लिए अपनी फाइबर एसेट बेच सकती है। इसके लिए कंपनी PE फंड KKR के ड्यू डिलीजेंस पूरा किया है। KKR ने इस हफ्ते अपनी छानबीन पूरी कर ली है। फाइबर एसेट बिक्री से कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए से लेकर 18,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसलिए कंपनी PE फंड्स को डेटा सेंटर यूनिट भी बेचने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी का फाइबर एसेट्स लगभग 1.5 से 2.25 लाख किलोमीटर की फाइबर लाइन है। इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट करीब 10 लाख रुपए प्रति किलोमीटर होता है। इसकी बिक्री से वोडाफोन आइडिया करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है। बहुत जल्द ही प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ ये डील जल्द पूरा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने टावर एसेट, फाइबर एसेट और डेटा सेंटर को बेचने की तैयारी बहुत तेजी से शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि AGR बकाया मामले में टेलीकॉम विभाग के मुताबिक वोडाफोन आइडिया ने बीते शनिवार को 1,000 करोड़ रुपए की राशि भुगतान किया है। UAE में होगा IPL 2020, गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने की पुष्टि। जी हां, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2020 के रद्द होने के बाद IPL 2020 के आयोजन का रास्ता पहले ही साफ हो गया था, लेकिन फैंस के जहन में सवाल था कि आखिर ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित होगा या फिर विदेश में। अब IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने IPL के आयोजन स्थल से पर्दा उठा दिया है। ब्रिजेश पटेल ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि साल 2020 का IPL UAE में आयोजित किया जाएगा। ब्रिजेश पटेल ने ये भी कहा कि अभी IPL के आयोजन की तारीख तय नहीं है। स्पोर्ट्स स्टार के साथ खास बातचीत में ब्रिजेश पटेल ने कहा कि UAE में IPL 2020 का आयोजन होगा, लेकिन अभी टूर्नामेंट की तारीखें तय नहीं हुई हैं। ब्रिजेश पटेल ने जानकारी दी कि अगले हफ्ते IPL गवर्निंग काउंसिल की वीडियो बैठक होगी, जिसमें टूर्नामेंट की तारीखों और मानक संचालन प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, तो प्रकाश जावड़ेकर ने उनके ही अंदाज में दिया जवाब। जी हां, राहुल गांधी इन दिनों केंद्र सरकार पर खूब जुबानी हमले कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। इस ट्वीट पे राहुल गांधी ने इस बीमारी के समय की उपलब्धियों का जिक्र किया था, हालांकि यह एक कटाक्ष था। इसी कटाक्ष को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बदल दिया और राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। इसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की विफलताओं पर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने पहले ट्वीट कर केंद्र सरकार के लिए लिखा कि इस बीमारी के समय में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी महीने में नमस्ते ट्रंप, मार्च में महीने में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल के महीने में मोमबत्ती जलवाई, मई महीने में सरकार की 6वीं सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली और जुलाई में राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश इस बीमारी की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इसी पर प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी की 6 महीने में उपलब्धियां, फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश की सरकार से हाथ धो बैठे, अप्रैल में मजदूरों को भड़काया, मई में ऐतिहासिक हार का सामना किया, जून में चीन की वकालत करते दिखे और जुलाई में राजस्थान कांग्रेस पार्टी टूट गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सरकार पर कोई मुसीबत नहीं, सत्य की जीत होगी। जी हां, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक जयपुर के एक होटल में हुई। यही कांग्रेस के विधायक पिछले कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी मौजूद रहे। यह बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चली। बीते लगभग एक सप्ताह में पार्टी के विधायक दल की यह तीसरी बैठक थी। इसमें कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे अन्य विधायक भी शामिल हुए। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ही सचिन पायलट को पद से हटाने का फैसला लिया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं है और सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग जनता के बीच जाकर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारों के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, राजस्थान के कुछ हिस्सों, शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। कोंकण, गोवा और गुजरात में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। आज का मैट कुछ क्वेश्चन आ चुका है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।